जय हिंद दोस्तों। टोल प्लाजा पर आए दिन सैनिकों के साथ बातचीत होती रहती है। जब सैनिक टोल प्लाजा में जाते हैं तो उनसे एक पुराना लेटर दिखाकर उनसे टोल वसूला जाता है, लेकिन जो नया लेटर है वो नहीं दिखाया जाता है। नया लेटर जो जारी हुआ है वो आप दिखा देंगे, उसके बाद आपसे कोई टोल नहीं मांगेगा। पहले तो मैं पुराने लेटर का बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो पुराना लेटर दिखाया जाता है वो ऑफिस मेमोरेंडम दिखाया जाता है, जो कि 17/6/2014 का है और क्लाजेस 2 के बारे में उसमें लिखा हुआ है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो सर्विंग जवान हैं उनके ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी किस किस को टोल देना है। इसमें जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें लिखा है कि टोल देना है जो कि छुट्टी पर है उनको, लेकिन जो नया लेटर है उसमें टोल नहीं देना है। आपको वो लेटर दिखाना है, वही लेटर मैं आगे बताऊंगा। पहले तो ये इसका बता दूं कि जो टोल प्लाजा में आपको ये लेटर दिखा के टोल मांग लिया जाता है। इंडियन टोल आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1901 इज अवेलेबल ओनली टू पर्सन हु आर ऑन ड्यूटी एंड डज नॉट पर्टेन टू रिटायर्ड पर्सन, यानी कि रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है, केवल ऑन ड्यूटी के लिए है। नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल अगर आप यूज कर रहे हैं तब भी आपको एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन ये पुराना लेटर है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। अब मैं नया लेटर दिखाऊंगा, उससे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आप लेटर दिखाएंगे इसके बाद आपसे कोई टोल नहीं वसूलेगा। पहले तो मैं एक जो फैसला आया था कोर्ट का, जिला उपभोक्ता विवाद का फैसला है, इसमें जो एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर हैं उन्होंने केस किया था, इनको टोल वसूला गया था इनसे। इसके बाद इन्होंने केस किया था और केस जो किया गया था सुखवीर सिंह ने किया था केस, और ये केस किया था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, और जहां पर टोल वसूला था उनके 3 लोगों के ऊपर केस किया गया था, जिसमें तीसरा जो पक्ष था, तीसरा जो जिनके ऊपर केस किया गया था, जहां पर उनसे टोल लिया गया था यानी कि टोल प्लाजा पर भी केस किया गया था। तो जो प्रार्थी थे और जो अप्रार्थी थे उन पर जो बात हुई, जो टोल टैक्स में बात की गई उसमें बता दें क्या क्या कहा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा किया गया जिसमें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और छुट्टी अवकाश पर वो आए थे, आधिकारिक छुट्टी थी, 25/7/2015 को जयपुर पहुंचे थे। जो जयपुर में आने के बाद वो कहीं किसी कारण से अपने पिता के वाहन से, यानी कि दूसरे के प्राइवेट वाहन से, पिता के वाहन से जा रहे थे और टोल अखेपुरा में टोल रात में 8:41:27 उनसे टोल वसूला गया और टोल संख्या 3 ने वसूला, यानी कि पहचान पत्र, अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया सर्विंग जवान ने, लेकिन छुट्टी पर होने की वजह से उनसे टोल वसूला गया। और कौन सा लेटर दिखाया गया जो अभी आपको मैंने दिखाया है, उस लेटर को दिखा के कहा गया कि आपसे टोल लगेगा क्योंकि आप छुट्टी पर हैं और प्राइवेट गाड़ी पर हैं। इसके बाद जबरन रसीद काट दी गई, इसके बाद 35 रुपए की रसीद काटी गई, और बता दें इसके बाद उन्होंने टोल पर केस कर दिया और केस जो किया गया उसमें वो केस जीते। जो प्रार्थी नंबर 3 थे जो टोल प्लाजा था उस पर केस किया, उसके बाद उनसे टोल की वसूली की गई। अब किस लेटर के आधार पर वसूली की गई बता दें। सबसे पहले तो मैं वो लेटर दिखाता हूं, इसी में जो कहा गया, ये आपको टोल प्लाजा में ये लेटर दिखाएंगे जो कि ऑफिस मेमोरेंडम है 17/6/2014 का। अब मैं वो टोल का लेटर दिखाता हूं जिसमें एग्जम्पशन की बात कही गई है, और वो एग्जम्पशन का सर्कुलर मैं बता रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा जारी सर्कुलर 21/10/2014, 21/10/2014 को जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये नया सर्कुलर है, 21/10 का है 2014 का, और ये पुराना है। आपको बता दूं कि जो पुराना है वो नहीं माना जाता है, 17/6/2014 का, यानी कि उसी साल का है लेकिन ये 6 महीने का है, और ये जो नया वाला है वो 10वें महीने का है। तो 10वें महीने लास्ट वाला लेटर ही माना जाता है। अब इस लेटर में जो लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैव इंडिकेटेड दैट इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1901 इज स्पेशल एक्ट विच ओवर राइट्स जनरल एक्ट सच एज नेशनल हाईवे एक्ट 1956 एंड प्राइवेट व्हीकल
ऑफ द ऑफिसर्स सोल्जर्स एंड एयरमैन ऑफ रेगुलर फोर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टोल, और एग्जेम्प्टेड है उनको पेइंग टोल चाहे वो पे ऑन ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी ना हो, बिल्कुल क्लियर इसमें दिया है। तो आपको ये लेटर दिखाना है, इसकी प्रिंट आउट भी रखे, क्योंकि सर्कुलर भारतीय रोड टोल सेना और वायु सेना अधिनियम 1901 के तहत उल्लेख है, अंकित है इसमें कि भारतीय टोल सेना और वायु सेना अधिनियम 1901 एक विशेष अधिनियम है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का ऑर्डर राइट करता है, और वायु सेना के सैनिकों और उनके निजी वाहनों को छूट है चाहे वो ड्यूटी पर हो या ना हो, ये फैसला हुआ है। और इस फैसले से ये हो गया क्लियर कि आपको अपना ये नया लेटर दिखाना है, पुराना लेटर कैंसिल हो जाते हैं जब नया लेटर कोई आ जाता है। तो टोल में जो नया लेटर है 21-10-2014 का है, और इसी नए लेटर को आप दिखाएं, ये पूरा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें सब में डाल दूंगा। और बता दें जब केस ये जीते इसके तहत, तो उनको आदेश हुआ कि 10,000 रुपए फाइन लगेगा जो टोल प्लाजा है, 3,000 रुपए अतिरिक्त उनसे लगेगा, इसके बाद 10,000 रुपए उपभोक्ता कोष कल्याणपुर जयपुर में जमा करना पड़ेगा। यानी कि ये उन सर फाइन लगाया गया जो कि टोल प्लाजा वाले थे उनके ऊपर, यानी कि ये केस जीत गए। और अब आप अगर कोई ऐसी विवाद होता है तो आपको इसकी फोटो खींचकर रखनी है, क्योंकि ये कोर्ट का जजमेंट है, और इसके बाद एक अधिनियम भी उसमें जो कहा गया है उस लेटर का भी आप दिखा सकते हैं, और इसके बाद कोर्ट केस भी दिखा सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।